ठीक है सिंचर, अभी ना मैं चलता हूँ भाई, मेरे का भी बहुत काम करना है। अरे प्रचलित भैया, इतना रेडी पेडी सूट फूट पहन के कहाँ पे जा रहे हो? देख भाई, तूने हर टाइम देखा है हमारे पास ना एक कार है, एक बाइक है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा कार भी नहीं है, दूसरा बाइक भी नहीं है। इसलिए मैंने आज सोचा ना, आज मैं हमारे लॉस सैंटोस का सबसे महंगा एक्सपेंसिव अनोखा टाइप का बाइक चुड़ाऊंगा। अरे प्रचलित भैया, ऐसा बाइक कहाँ पे मिलेगा, तुमको क्या पता है? अरे भाई, ऐसा बाइक ना हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है लॉस सैंटोस का, उसके पास ऐसा एक बाइक है जिसके साइड पे पूरा डायमंड लगा है, ऊपर से पूरा गोल्ड का बना है, वो बाइक में चुराऊंगा। अरे प्रगल भैया, ऐसे क्या आसान है चुराना? भाई आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ना बहुत ज्यादा दिमाग है, मैंने एकदम माइंड सेट करा है मैं कैसे जाऊंगा कैसे ले आऊंगा। चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ, मुझे भी देखना है आप कैसे चुराते हो भाई। ठीक है, तू चल रहा है तो भाई चल, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भाई जब वो तब हमारा पीछा करेंगे ना, तब तेरे को बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, समझ गया ना मेरी बात? अरे प्रगल भैया, भाई ये क्या बोल रहे हो? हाँ यार भाई, मैं किसी के घर में डाका डालने जा रहा हूँ, भाई तू मेरे साथ चल रहा है? चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को थोड़ा दूर से अटकड़ दूंगा। अरे प्रकृत भैया, आप कैसे चुड़ाओगे बाइक? भाई चुड़ाऊंगा ऐसे बोले तो, वो बाइक ना सबसे महंगा बाइक है, इसलिए उसके साइड पे ना बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड एकदम गन लेके एकदम खड़ा है, मुझे उन सब के पीछे पीछे से जाना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो प्राइम मिनिस्टर को मारना पड़ेगा हमारे लॉस सैंटोस का, उसके बाद भाई बाइक तो ले ही सकता हूँ। और एक बात बताओ भाई, वो बाइक ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब तू उसको एक बार अचीव कर लिया तो भाई, मतलब तेरे को सातों जन्म कोई पैसा अर्न करने का जरूरत ही नहीं है, तू उसको बेच देगा तो उसका प्राइस बिलियन का ट्रिलियन में होगा। अरे प्रगल भैया, इतना पैसा? हाँ यार, बहुत ज़्यादा पैसा है उस बाइक बेचने के बाद। अरे चिंता मत कर, वो बाइक चुराने के बाद ना हम एक दूसरे बाइक के पास जाएंगे, वो बाइक है प्रिजन में, और वो कोई ऐसा वैसा बाइक नहीं है, वो उड़ता है बाइक पूरा एकदम हवाई जहाज की तरह। अरे प्रगल भैया, उड़ता हुआ बाइक? हाँ यार, उड़ता हुआ बाइक, प्यास की आग। अरे यार, ये सब कैसे बंदे है भाई, देख के चला नहीं सकते। अरे प्रगल भैया, चलो चलो बाइक बाइक चुराएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, तू हमारे साथ चोरी करने जाएगा क्या सिंचन? भाई उस पकड़ लेगा तो उसके बाद तेरे को मारेंगे और चलेगा ना। अरे प्रगल भैया, मार नहीं खाना चाहता मैं। अरे भाई, ये तो बड़ी दिक्कत है भाई, तू चुराना चाहता है, तेरे को पकड़ लिया तो मार तो पड़ेगा। चल यार, बिना किसी बकवास के ना अभी चलते हमारे डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे जाके देखते भाई क्या हालत है। ऑलराइट गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आई मीन गाइस, सामने वाला जो घर देख रहे हो वो लॉस सैंटोस का प्राइम मिनिस्टर का घर है। सो गाइस, इस घर पे हम डाका डालेंगे। भाई मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, मुझे सिर्फ उस बाइक को छुड़ाना है भाई, पैसे पैसे के, और मैं देखूंगा भी नहीं। अरे प्रगल भैया, पहले तो दिखाओ कौन कौन है अंदर। चल मैं दिखाता हूँ भाई, मेरे पास एक ड्रोन है, उस ड्रोन की मदद से तेरे को दिखाता हूँ। देख भाई, ये है ना हमारे लॉस सैंटोस का प्राइम मिनिस्टर का घर, और इस घर का हालत तो देख। अरे प्रगल भैया, यहाँ पे इतने सारे बंदे क्या कर रहे हैं? अरे यार भाई, चौंक गया ना, मैंने बताया भाई ये घर ऐसा वैसा घर नहीं है। और गाइस देखो, यहाँ पे कितने सारे बंदे हैं और क्या सब कर रहे हैं। अरे प्रगल भैया, आपको तो मार ही डालेंगे एक बार में। हाँ, तुम्हारे भाई को मारना इतना आसान भी नहीं है। देख यहाँ पे ना 3-4 बॉडीगार्ड है भाई, इन सबको मैं आसानी से मार सकता हूँ। अरे प्रगल भैया, अब क्या करोगे? अरे यार, मैं पीछे से जाऊंगा, उसके बाद इन सब के ऊपर अटैक करूंगा, उसके बाद तू देख रहे तो समझ जाएगा। और ये है हमारा लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट, ये हमेशा अपने बाइक ही घूरता है। देख कैसे देख रहा है अपने बाइक को, कितना प्यारा बाइक। और देख भाई, इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो घर के अंदर ना गोल्ड ही नहीं रख सकता, घर के बाहर गोल्ड रख रहा है। अरे अपने बाइक से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। और देख यहाँ पे हीरा लगा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, और सामने भी डायमंड डायमंड लगा है। मैंने तो इसका प्राइस तेरे को अंदाजे में बोला है, लेकिन इसका मैं ठीक ठाक बता नहीं सकता। ब्यूटीफुल। और गाइस, अभी मेरे को चुराना है, सिंचन तू समझ गया ना मेरी बात? अरे प्रगल भैया, आपको तो मार पड़ेगा जब पता चलेगा सबको। अरे वैसे वैसे तो पता नहीं चलेगा, तू यहीं पे रुक जा, मैं थोड़ा आसपास से घूम के आता हूँ, पता लगाता हूँ कहाँ से घुस सकते घर के अंदर। भाई सामने से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्यों गाइस? सामने ना 14 सिक्योरिटी गार्ड है और बॉडी गार्ड, उनके पास ना है भाई AK-47। भाई उस गन से मेरा खोपड़ी अलग कर देंगे एक बार भाई मेरे को पकड़ लिया तो। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ ना, ये जो बड़ा बड़ा दीवार है, इस दीवार कूद के मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन गाइस, मेरे को ना एक चीज़ की जरूरत पड़ेगा, वो है एक कार्ड। लेकिन भाई मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं है, एक बाइक है, वो भी भाई उससे नहीं बनेगा। अरे यार, मैं कूद के उतना ऊंचा तो नहीं जा सकता। अरे मेरे को अभी ना एक कार जुगाड़ करना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं उस पार जा सकूँ। एक मिनट, मेरे सामने तो कार है, आई थिंक गाइस अनलॉक हो। ऑलराइट भाई, अनलॉक है, बहुत बढ़िया। सो गाइस, इसकी मदद से ना मैं प्राइम मिनिस्टर के घर में डाका डालूंगा भाई, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। भाई तुम्हारा भाई ऐसे बहुत ज़्यादा साथी रहे भाई, हिटमैन का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन भाई, है ऐसे ही चुरा लेगा तेरा भाई। चलो गाइस, पहले ने एकदम साइड में लगाते थे। चलो भाई बढ़िया भाई, थोड़ा पीछे कर लेते।
लगता है ऐसे सामने करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे छोड़ देते, बहुत बढ़िया। अभी लगता है मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई। पहले ना देख लेते ऊपर चढ़ के भाई कोई है क्या आसपास। अरे भाई मैं एकदम से कैसे चढ़ गया। अरे भाई नीचे चलते हैं। ऑल राइट गाइस, मैंने ना तीन बंदे को देखा, तीनों के पास बड़ा बड़ा गन है। सो मेरे पास अभी मेरा साइलेंसर जो गन है वो मेरे को निकालना पड़ेगा। भाई एकदम से मैं चढ़ गया, मेरे को डर लग गया भाई। मैंने सोचा था आज तो गया, लेकिन गाइस तुम्हारा भाई अभी सही सलामत है, बहुत अच्छी बात है। अभी चलो भाई उठ गया, ये ले उड़ा दिया दूसरे को। अरे भाई ये बंदे को गाइस अभी भनक नहीं पड़ा भाई, इसके पीछे जो दो बंदा था उसको मैंने मार दिया। अरे ये गाइस सामने ही देख रहा है। अरे पागल इंसान पीछे देख, 1 2 3 धप्पा। अरे अरे गाइस इसको मैंने मजा चखा दिया, मतलब गाइस अपना गोली ना वेस्ट करते हुए एक मुक्के में इसको रैप लेटा डाला। अभी गाइस मेरे को धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा। एक मिनट, वहाँ पे तो और एक सिक्योरिटी गार्ड है भाई, इसको भी कुछ नहीं पता चला। अरे व्हाट, चलो गाइस ये भी चला गया, बहुत अच्छी बात है। अभी गाइस मेरे को सामने जाना पड़ेगा। सो गाइस अभी ना असली मुश्किल शुरू होने वाला है भाई। पीछे तो ज्यादा बॉडी गार्ड नहीं था, अब सामने ना 15-16 बॉडी गार्ड है, और वहाँ पे है मेरा असली चीज जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो बाइक। एक मिनट गाइस देखो यहाँ पे कितने सारे बंदे हैं। अरे गाइस मैं इन सबको कैसे मारूंगा एक साथ। अभी लगता है गाइस मुझे अपना साइलेंसर लगा लेना चाहिए। अरे यार मैंने तो ऑलरेडी लगा लिया। क्या बोलते हो गाइस, एकदम से हल्ला बोल दे क्या, सबके ऊपर अटैक कर दे। लेकिन गाइस मुझे अपना प्लान बनाना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे मैं अटैक करके सबको मार सकता हूँ। चलो शुरू करते, 1 2 3 4 5 6। ऑल राइट, एक मिनट गाइस, एक सेकंड के अंदर मैंने लगता 6 बंदे को मार दिया। चलो गाइस सामने वाले को भी नहीं मार सकते, और गाइस उस तरह बॉडीगार्ड को कुछ भनक नहीं पड़ा। चलो इनको भी मारते हैं, ये ले। ऑल राइट भाई सबको मार दिया। यहाँ पे और एक बंदा, भाई ये सब अंधे है क्या। चलो गाइस, भाई साहब तुम्हारा भाई देखो कितना ज्यादा साथी रहे गाइस। मिनटों में इतने सारे बॉडीगार्ड को मार दिया। और गाइस मैंने बताया ना, ये सब प्रेसिडेंट ना ये बाइक के पीछे पगला हो गया है, देखो कितना ज्यादा दीवाना है। इसके आसपास पूरा बॉडीगार्ड को मैंने मिनटों में मार डाला, अभी ये इसको बाइक को ही देख रहा है। इतना सुंदर बाइक। चलो गाइस अभी इसका बैंड बजाते हैं, चुपचाप खड़ा हो जा। अरे तुमने बहुत गलत कदम उठा दिया, मेरे आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड, कहाँ पे चले गए भाई, ये सब मर गए क्या। अरे तू ये कैसे किया। अरे भाई ये फ्रैंकलिन का कमाल है, अभी तू भी जाएगा बेटा। अरे नहीं मुझे मत मारो, ये फिद्दी। ये लग गया, अरे मैं फिर से उड़ गया। अरे अजीब बंदा है भाई, कितनी बार मारना पड़ेगा। अरे फिर से उड़ गया, चले भाई। अरे यार ऑल राइट गाइस, फाइनली इसको मैंने मार डाला। और इसके सामने जो बॉडीगार्ड है भाई, इन सब को अभी इतना भी ज्यादा भनक नहीं पड़ा, शोर शराबा तो नहीं हुआ। चलो गाइस मेरे पास मॉली है, मॉली फेंक के भाई मारते हैं सबको, मेरा गोली बच जाएगा और गाइस ये आसानी से मर जाएंगे। चलो गाइस जेले। चलो गाइस मैंने पूरा इस घर के हर एक बॉडीगार्ड को पूरा अच्छा मजा चखाया। आई मीन गाइस अभी जिंदा ही नहीं रहे। चलो गाइस मैंने तीन सबको मार दिया, अभी गाड़ी लेके निकलते। अरे यार भाई ये गेट लॉक है यार, मुझे दूसरी जगह से जाना पड़ेगा। चलो गाइस मैं दूसरी जगह निकल जाऊंगा भाई, इतना मुश्किल क्या है, इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे लगता है गाइस सामने जो छोटा सा दरवाजा है यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे चल भाई यहाँ से निकलता हूँ, बहुत बड़ी कर सकता हूँ मैं। ऑल राइट गाइस मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ। भाई ये सब पिद्दे लोग भाई क्या सोच के रखे हैं भाई, हिटमैन का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन भाई, ऐसे नहीं मैं छोड़ने वाला किसी को। ऑल राइट गाइस मैंने अपने लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को मार दिया, और किसी को कुछ पता नहीं चला। और हमारा जो बाइक है मेरे हाथ में जो लगा है, बड़ा सही लेवल का है, क्या स्पीड पर कर रहा है मिनटों में। लगता है गाइस इससे मैं रेस भी खेल सकता हूँ। अरे भैंस गया, अरे लग क्या रे। अरे गाइस अभी ना घड़ी चलते हैं। ऑल राइट गाइस मैं अपने गैराज पे आ चुका हूँ, अभी अपना फेवरेट कार सुपर बाइक पार्क करते हैं और गाइस बाहर निकालते हैं। चलो गाइस देखो कितना बढ़िया ड्रिफ्ट लगता है भाई। तुम सब कह रहे हो भाई बाइक बहुत बेकार चीज है। अरे सिंचन कैसा लगा मेरा हरकत। अरे प्रगल भैया आप तो बड़े खतरनाक हो, आप मिनटों में चोरी कर लिया है सब चीज। अरे भाई ये तो मैंने शुरुआत किया है, अभी मैंने तेरे को बोला ना दूसरा बाइक चुराने जाऊंगा, वो कोई बाइक ही नहीं है, प्लेन है, मतलब प्लेन नहीं उड़ता है। चलो उसको मैं चुराने जाऊंगा, वो देखने के बाद तू पागल हो जाएगा। अरे प्रगल भैया आप ये बाइक कैसे चुराए, मैं वो सोच रहा हूँ। भाई तू देख नहीं रहा था क्या, मैंने एक तो ड्रोन भी ऊपर लगाया था। अरे यार ये सब छोड़ो, चलो गाइस अब ना हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे चलते हैं और गाइस चुराते हैं प्रिजन से अपना उड़ता हुआ खटोरा। अरे प्रगल भैया वो क्या चीज है। बाइक है जो उड़ता है, चलो गाइस फटाफट चलते हैं। ऑल राइट गाइस मैंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया, अपना मूंछ भी सेव कर लिया। अब सिंचन कैसा लग रहा है। अरे प्रगल भैया आप तो फर्जी छोड़ रहे हो, फर्जी छोड़। भाई फर्जी क्यों लग रहा है भाई, ठीक ठाक ही लग रहा है ना। सो गाइस मेरे को प्रिजन के बंदे की तरह लग रहा है क्या, देखो एक बार। मतलब गाइस मैं जेल वाला बंदा हो गया, वो बताओ मेरे को। सो सिंचन अभी ना हम लोगों को प्रिजन के अंदर जाना पड़ेगा। अरे प्रगल भैया कैसे जाओगे, इतना मोटी मोटी दीवार कूद के। अरे तूने बात तो सही किया, लेकिन भाई मैं सब प्लान बना के यहाँ पे आता हूँ भाई, ऐसे फिजूल में तो नहीं आऊंगा। देख मेरे पास एक कार, इसकी मदद से जाऊंगा।
अरे प्रैगली भैया पागल हो चुके हो क्या? भाई क्यों, क्या हुआ? अरे प्रैगली भैया इससे आप कैसे कूद सकते हैं इतना ऊंचा? अरे यार सिंचल लग जाएगा, इस मेरा पावर भूल चुका है। अरे प्रैगली भैया नामुमकिन है, नामुमकिन कभी नहीं कर सकते। अरे दोस्तों सिंचन सोच रहा है भाई मैं नहीं कर सकता, अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं कैसे इतने बड़े बड़े दीवार के ऊपर से चलता हूँ एक कार लेके, उसके बाद भाई तू मेरा फैन बन जाएगा। चलो गाइस अपने कार को थोड़ा पीछे भगाते हैं और एकदम से भाई ये रहा ऊंचा डिवी, भाई इसके ऊपर से मैं जंप करूंगा। अरे प्रैगली भैया आप तो हीरो हो। भाई मैं ट्राई करूंगा, आई थिंक गाइस मैं सक्सेसफुली स्टंट कर पाऊँ। चलो भाई मैं शुरू करूंगा, 1, 2 और 3 गाइस चलो आगे बढ़ रहे हैं। तेरी प्यास क्या भाई कितना ऊंचा। अरे प्रागल भैया कितना बढ़िया है। ऑल राइट भाई मैं आ चुका हूँ। भाई साहब इतना सॉफ्ट लैंडिंग, भाई किसी को कुछ नहीं पता चला, मैंने सोचा था गाइस मेरा सिट्टी विट्टी गुल हो जाएगा ऊपर से नीचे गिरते गिरते। चलो गाइस बढ़िया है, अभी गाइस मेरे को और भी अंदर जाना पड़ेगा। सो गाइस प्रिजन के जो बंदे हैं ना उनसे गाइस मुझे मिलना पड़ेगा और बातचीत करके पता लगाना पड़ेगा कहाँ पे है वो सुपर बाइक जो हवा में भी उड़ता है। और मैंने सुना है गाइस उसके आसपास ना सिक्योरिटी गार्ड उसके बाद पुलिस सारे बंदे रहते हैं। चलो गाइस अभी ना मेरे को ये कार यहीं पे छोड़ देना चाहिए, पैदल जाके ना आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस मैंने ऊपर ने एक बंदा देखा जो चल रहा था, चलो गाइस अभी ऊपर चढ़ते हैं एक बार। ऑल राइट गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ, एक बुरी खबर है गाइस, यहाँ पे ना जो पुलिस वाले हैं सबको पता लग चुका है एक प्रिजन का बंदा, मतलब जो बाहर का बंदा प्रिजन का ड्रेस पहन के अंदर आ चुका है। इसलिए गाइस देखो यहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी मेरे को मारने के लिए आए हैं। भाई प्रिजन इतना ज़्यादा डेंजर है भाई, यहाँ पे चोर लोग ही रहते हैं ना, उनके लिए इतना क्या स्ट्रिक्ट। चलो गाइस अभी ना मेरे को थोड़ा कवर लेना पड़ेगा। अरे भाई ये तो बड़ा दिक्कत दे रहा है, भाई चिंता मत कर मेरे पास इसके लिए कुछ है, ये ले भाई। अरे भाई मिस हो गया या तेरी प्यास क्या। चलो गाइस उड़ गया। सो गाइस आप लोग सोच रहे हो भाई तेरे पास ये सब आया कैसे, रुको पहले गाइस इसको मार देता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ये ले भाई पिद्दी भाग यहाँ से। सो गाइस मैं कह रहा था भाई मेरे पास ना डोरेमोन का पॉकेट है, मेरे पास सब कुछ रहता है। सो गाइस मैंने सब कुछ लेके आया है प्रिजन पे, जरूरत पड़े तो भाई बम भी मार देंगे पूरा प्रिजन उड़ा देंगे। लेकिन गाइस उससे पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो बाइक कहाँ पे, वो बाइक को मेरे को फटाफट ढूंढ के ना यहाँ से रबू चकड़ होना पड़ेगा, भाई मामला ज़्यादा ऊपर चला गया तो। अरे 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 प्यास की। चलो गाइस बच गया, उस तरफ गिरता तो भाई फिर से दिक्कत पड़ता मेरे को। चलो गाइस मैं तो प्रिजन के आसपास घूम रहा हूँ, कोई मेरे को जेलर नहीं दिखाई दे रहा और कोई पुलिस वाला भी नहीं। अरे भाई हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पे आ रहे हैं, अभी तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। चलो गाइस तुम अभी ऊपर ही रहो पूरा जिंदगी। सो गाइस जिसके लिए मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ वो कहाँ पे चला गया सुपर बाइक। अरे भाई एक थोड़ा तो दिखाई दे दे कहाँ पे। अरे गाइस अभी मैं क्या करूँ मैं सोच रहा हूँ। सो गाइस एक बार ऊपर जाके देखते हैं, आई थिंक ऊपर से नजर आ जाए वो सुपर बाइक कहाँ पे, आई थिंक मैं फटाफट उसको ढूंढ के बाहर निकाल सकता हूँ। एक मिनट गाइस ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा और पूरा प्रिजन खाली है। अरे यार चलो गाइस नीचे उतर के मुझे ढूंढना पड़ेगा, अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। सो गाइस मेरे को ना एग्जैक्टली पहले पता लगाना चाहिए था कहाँ पे सुपर बाइक, उसके बाद गाइस मुझे प्रिजन पे आना चाहिए था। लग दे गाइस मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी यहाँ पे। चलो गाइस इस घर के अंदर है क्या? एक मिनट घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला ये तो। ऑल राइट गाइस मैं ऊपर आया हूँ और गाइस मेरे को ना दूर से एक चीज नजर आया है, वो है सुपर बाइक, मेरे को लगता तो ऐसा ही है। चलो गाइस मैं छत के ऊपर चढ़ चुका हूँ, आई थिंक इसके अंदर हो सके। एक मिनट भाई ये क्या चीज है? अरे भाई पैर फिसल गया पैस की लग गया। अरे शट। एक मिनट गाइस लगता है जिसके लिए मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था वो मेरे सामने है। गाइस देखो ये ही है सुपर बाइक जिसकी मदद से गाइस मैं सबकी बैंड बजा दूंगा। चलो गाइस मिनटों में यहाँ से रबू चक्कर होते भाई, 2-4 हेलीकॉप्टर लगते आने वाले हैं। अरे यार चलो ऊपर बढ़ते। अरे नहीं यार अरे ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है भाई, इसको चलाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। सो गाइस ये मेरे को सीखते ये साले पुलिस वाले तो मेरे को मार ही देंगे। चलो गाइस अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो ये बढ़िया मौका है ऊपर चढ़ने का कोशिश। ऑल राइट भाई फाइनली तुम्हारा भाई प्रिजन से एस्केप कर लिया बहुत ही आसानी से, लेकिन ये सब पुलिस वाले भाई मेरा पीछा नहीं कर पाया। चलो गाइस अभी ना मेरे को इस ट्रेन पे सॉफ्ट लैंडिंग करना पड़ेगा, क्यों गाइस अभी ना मेरे पीछे 4 हेलीकॉप्टर है भाई, हेलीकॉप्टर को बचने। सो गाइस हेलीकॉप्टर से बचने के लिए ये मेरे को करना पड़ेगा, ये भाई ये भी मेरा प्लान था, ये ट्रेन जब आएगा यहाँ पे मैं सॉफ्ट लैंडिंग करूंगा, लेकिन मैं भाई इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। अरे 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 भाई अरे हो जाए एक बार। अरे चलो गाइस उतर जाते हो जाएगा। अरे भैंस क्या अटक रहा है कैसे, चलो चलो भैंस की। अरे नहीं यार भाई मेरा सुपर बाइक इतना महंगे से मैंने उसको चुराया था। अरे गाइस मेरा उड़न खटोला तो उसमें रह गया, अभी मैं क्या करूँ शिट।
अरे गाइस अभी उतना दूर से दौड़ के भी नहीं जा सकता। एक मिनट गाइस, यहाँ पे एक बाइक है। चलो गाइस ये बाइक लेकर फटाफट वहाँ पे चलते हैं, उस ट्रेन के ऊपर एकदम से जंप करके लैंडिंग करते हैं, नहीं तो गाइस वो ट्रेन के साथ मेरा उरन खटोला वाला बाइक वो भी चला जाएगा, मैंने जो इतना मेहनत से चुराया है। अरे चलो हट जाओ मेरे सामने से। अरे यार अभी लगता है गाइस मुझे पूरा पावर लगाना पड़ेगा इस बाइक का। सो गाइस किस्मत से मेरे को बाइक मिल चुका है, लेकिन गाइस मैं ट्रेन तक से नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अरे यार लगता है अभी ऊपर से मेरे को जंप करना पड़ेगा। भाई रेडी हो जाओ प्यास की आँख। अरे चलो चलो पहुंच गया। अरे भाई ये बढ़िया एकदम लैंडिंग था। ऑल राइट गाइस मुझे अपना उड़ान खटोला मिल चुका है। एकदम काला कैसे लग रहा है? नहीं भाई हमारा एक उड़ान खटोला है। चलो गाइस इसको घर लेके चलते हैं। ऑल राइट गाइस मैंने अपने गैराज में अपना दो प्यारा कीमती चीज मैंने पार्क कर दिया। अरे सिंचन तू कहाँ पे? देख भाई तेरे भाई ने क्या किया है। अरे सिंचन भाई कहाँ पे तू? भाई हमारे गैराज में दो एक्सपेंसिव कार है जो किसी को नहीं पता। अरे प्रकृति भैया बाइक है ना? बाइक हाँ एक्सपेंसिव बाइक है, मैंने गलत बता दिया। सो गाइस मैंने तो अपना ड्रीम ट्रू कर लिया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो गाइस सामने वीडियो शुरू करें उसमें बिल करो।